शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी दी है कि नागपुर शहर पुलिस ने सिटी को नार्को फ्री बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन 150 से अधिक ड्रग पेडलर, स्मगलर और नशाखोरी की जांच की गई, तो वहीं स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में 100 मीटर के भीतर मौजूद 200 से अधिक पान ठेले और अन्य दुकानों की जाँच भी की जाएगी, जिसमें सिगरेट, तम्बाकू और नशाखोरी के अन्य आपत्तिजनक सामान उपलब्ध हो, ऐसे सभी जगह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर शहर पुलिस के तरफ से ऑपरेशन नार्को फ्लश आउट आज से शुरू किया गया है। इसमें विशेष करके हमने क्राइम ब्रांच के स्तर पे एक नार्को इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप किया है और हर पुलिस स्टेशन में एक एंटी नार्कोटिक सेल, एक डेडिकेटेड सेल शुरू किया है, और जो कि पूरी तरीके से नार्कोटिक्स के विरुद्ध मुहिम शुरू करेगी। इसमें शहर में पिछले 5 वर्षों का फिगर जो देखा गया है क्राइम का, 1150 ऐसे एक्यूज आइडेंटिफाई किए गए हैं जो ड्रग कंजम्पशन और ड्रग पेडलिंग में पिछले वर्षों में शामिल रहे हैं। इनकी लिस्ट निकाली गई है और इन सेल्स के द्वारा और पुलिस स्टेशन के द्वारा इनकी हाउस सर्चेज जो नियम के अनुसार होती है वो, या फिर उन पर सर्वेलेंस रखने के लिए जो भी डोजियस वगैरह बनाने की कार्रवाई है वो सब आज से शुरू की गई है। और अभी तक ऑलरेडी करीब करीब 125 से 150 ऐसे आरोपी की चेकिंग आज सुबह से अभी तक में हो चुकी है। हमने 22 हॉटस्पॉट शहर में आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे ड्रग कंजम्पशन और पेडलिंग पिछले कुछ दिनों में देखी गई है। उन हॉटस्पॉट्स पे हमने विजिल बढ़ाया है और वहां पे हम इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी नहीं चले। विशेष करके जो कोटपा एक्ट के अंतर्गत स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 100 यार्ड्स के रेडियस में किसी प्रकार की सेल ऑफ सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स पे जो बंदी है उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आज से इन्फोर्स की जा रही है। ऑलरेडी 200 के आसपास कार्रवाई हो चुकी है अभी तक, और हम इंश्योर करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास इस प्रकार की कोई भी अवैध तरीके से बिक्री ना हो। हमने एक लोगों के तरफ से माहिती आए इसके लिए एक हमने डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है कंट्रोल रूम में, जिस पे जो भी जानकारी इस प्रकार के वायलेशंस की हमें आएगी उनके उसको इमीडिएटली अटेंड करने के लिए हमारे डेडिकेटेड सेल्स, डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारी उसको अटेंड करेंगे और कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। हमें लोगों से आह्वान रहेगा कि इस प्रकार की पुलिस विभाग के साथ लोग मिलके काम करें और इस प्रकार की कोई भी वायलेशंस हमारे नागपुर शहर में नहीं होगा, इसके लिए लोग हमें मदद करें। कोई भी अगर उनको आपत्तिजनक एक्टिविटी दिखती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लेंट करें, उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी और हम इस प्रकार के आरोपियों के विरुद्ध सख्ती से निपटेंगे। देखिए, जो एक्यूज्ड जो रिकॉर्ड पे के हैं, जिनको चेक किया जा रहा है, उनके पास अगर ड्रग कंसाइनमेंट मिलता है तो ऑब्वियसली NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी, लेकिन बाकी जिन पे नहीं मिलता है उनके कुछ जगह पे काउंसलिंग की आवश्यकता है, कुछ जगह पे उनको डी एडिक्शन सेंटर भेजने की आवश्यकता है, कुछ जगह पे उनसे कुछ माहिती मिल सकती है, ये एक्सप्लोर करना है। इस प्रकार की कार्रवाई एक्यूज्ड जो भी क्रिमिनल्स ऑन रिकॉर्ड हैं उन पे की जा रही है। जो पान शॉप्स जो हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 100 मीटर्स पे हैं, उस पे कोटपा एक्ट के अंतर्गत 200 रुपए की फाइन की कार्रवाई की जाती है, वो फाइन की जा रही है, लेकिन साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स उसमें है ये चेक किया जा रहा है और ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं रहेगा। ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये कार्रवाई के बाद कोई भी एजुकेशन स्टूडेंट के 100 यार्ड के अंतर में इस प्रकार की प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी, इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रग्स हैं उसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के सेल करने की कुछ इंसिडेंट्स पहले हमारे सामने आई थी, उसके बाद हमने फार्मेसी एसोसिएशन का संबंधित विभाग के साथ जॉइंट मीटिंग लिया था और उनको आह्वान किया था कि जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स है उसको प्रेस्क्रिप्शन के सिवाय और जो क्वांटिटी उसमें डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किया है उसके सिवाय, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में लोग उसको सेल नहीं करें। इसकी फिर से हम फार्मेसी एसोसिएशन को ये आह्वान करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी उल्लंघन, जो नियम है, जो मैंडेटेड प्रोसीजर है, उसके विरुद्ध जाके कोई भी सेल ना करें, ऐसी हमारी आह्वान रहेगी। और इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट जो स्पेशली हॉटस्पॉट्स के आसपास के परिसर में जहाँ पर इस प्रकार के फार्मेसी शॉप्स से लोग अवैध तरीके से खरीदी करने का प्रयत्न करते हैं, वो हमारे रडार पे हैं और डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे।